बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इज़राइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास जबरदस्त धमाका हुआ है, जहां न्यूज 18 के रिपोर्टर मौजूद हैं। एयरपोर्ट के पास ही धमाका होने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वहां से निकलकर सामने आई है। इज़राइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है, यानी कि एक बार फिर से इज़राइल का ये इलाका जिसे निशाना बनाने की कोशिश की गई है। आपको ये भी बता दें कि जहां पर ये धमाका हुआ वहीं पर न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर मौजूद है। तेल अवीव का जो हिस्सा है वो गाजा पट्टी से काफी नजदीक पड़ता है, उसके उत्तर में पड़ता है, और ऐसे में वहां पर क्या हालात हो गए हैं आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि आप जितने भी लोग वहां पर हैं वो रेस्क्यू खुद का करना चाहते हैं और वहां से निकलना चाहते हैं। तेल अवीव में सबसे ज्यादा हमले इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि गाजा पट्टी के पास का वो इलाका है और ऐसे में उसको निशाना बनाना बेहद आसान हो जाता है फिलिस्तीनियों के लिए, खासतौर पर गाजा पट्टी में हमास के लिए। और ये जंग लगातार जारी है। पहले दिन से आप याद करिए जब हमास की तरफ से सबसे पहले हमला किया गया, तेल अवीव को ही यहां पर निशाना बनाया गया था, और एक बार फिर से यहां पर जबरदस्त धमाका हुआ है। इस वक्त वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन ये तो इस खबर के बाद आप तय मानिए कि इसराइल जरूर पलटवार कर रहा है, लगातार वहां से भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हमास इस वक्त मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से इसराइल की एक जगह को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव की अहमियत ऐसे भी खास हो जाती है क्योंकि इसको बाकी जो देश हैं वो राजधानी मानते हैं इज़राइल की, और ऐसे में आप वहां से तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं जहां न्यूज 18 के रिपोर्टर भी इस वक्त मौजूद हैं। और एयरपोर्ट के पास ही धमाका होने के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और वॉर जोन से इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज लाइव हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, जहां पर आप मौजूद हैं उसी के पास धमाका हुआ है, क्या तस्वीर इस वक्त? देखिए, धमाके के एग्जैक्ट लोकेशन को बताना इस वक्त टफ है, लेकिन तेल अवीव एयरपोर्ट के अंदर हम लोग मौजूद थे और मिसाइल का सायरन बजता है और उसके बाद यहाँ तमाम लोगों को रोक दिया जाता है। जो लोग ओपन एरिया में थे उन्हें बुलाकर एक छत के नीचे सुरक्षित स्थान में रखा जाता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम उन लोगों में शामिल थी, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ तस्वीरें दिखा दे। तेल अवीव अभी दूसरे शहरों की तुलना में, दक्षिण के शहरों की तुलना में, तेल अवीव थोड़ा बहुत सुरक्षित माना जा रहा है, खासकर तेल अवीव का सेंट्रल का इलाका, लेकिन यहाँ भी धमाकों की आवाज़ बीच बीच में आती है, मिसाइल की आवाज़ आती है, धमाके होते हैं। तो तेल अवीव को निशाना बनाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन दक्षिण से थोड़ी दूर है, गाजा पट्टी से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ तक आने में उनके मिसाइल को इसराइल की सेना का सामना करना होगा। अस्करौर जो दक्षिण के शहर हैं, जेरोट और एस्केलोन, वहाँ जब हमला किया गया था तो वहाँ थोड़ी आसानी थी। नीरज, फिलहाल आपने क्या जो आसपास लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्या जो लोग अफरा तफरी में हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, डर का माहौल है लोगों में, बहुत लोगों से हमने बात की, लोगों में डर का माहौल है, आतंक का माहौल है, लेकिन ये जरूर इसराइल के लोग कह रहे हैं कि उनकी जीत होगी, वो लोग जीतेंगे। ये लोग एयरपोर्ट के बाहर जो आपको तमाम लोग दिख रहे हैं, ये बिल्कुल युद्ध के आतंक से परेशान है, भय इनमें व्याप्त है। जो यहाँ बाहर के लोग हैं वो बाहर दूसरे देशों में वापसी कर रहे हैं। इसराइल के लोग, जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने परिवार से मिलने यहाँ पहुँच रहे हैं, और कुछ लोगों से जो टूरिस्ट हैं उनसे बात करते हैं यहाँ। यू आर गोइंग आउटसाइड इसराइल और कमिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस वॉर? What? Because of this war, you returned to your country? No, I'm living here in Israel. Here only? Yes. So, do you think that finally Israel will win this war? Yes. 100%. But Hamas is attacking. Hamas is attacking in Tel Aviv area also. तो यू आर फियरफुल, कंसर्न। जी नीरज, आपके पास हम वापस लौटेंगे, और जैसा कि लोग भी वहां पर कह रहे हैं कि इसराइल इस जंग को जरूर जीतेगा, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत उनके ऊपर यहां पर जरूर आन पड़ी है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, इसराइल की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। ये बड़ी खबर है, वहां के रक्षा मंत्री ने कहा है कि गाजा पट्टी को पूरी तरीके से घेर लिया जाएगा और गाजा में हर तरह की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, और उन्होंने दावा किया कि गाजा की बिजली, पानी, गैस सबको बंद कर देंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि हमास के आतंकी जानवरों की तरह हैवानियत कर रहे हैं, तो उन्हें भी वैसा ही जवाब, यानी कि उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तैयारी यहां पर पूरी तरीके से कर ली गई है। गाजा में बिजली, पानी, गैस सब कुछ बंद करने का ऐलान। तो इसराइल अपनी रणनीति पर काम करना उसने शुरू कर दिया है, और उसकी रणनीति अब यहां पर बदले वाली जरूर होगी किसी भी तरीके से। जिस जो हमला यहां पर हमास की ओर से किया गया है इसराइल पर, उसके लोगों पर, उसका बदला यहां पर गाजा पट्टी में जरूर लिया जाएगा। और पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि वहां का जितनी भी बिजली, पानी,
जो भी सुविधाएं उनको दी जा रही थी वो तमाम चीजें बंद कर दी जाएंगी। इससे पहले भी आप देखिए, जो रिजर्व सैनिक थे उन्हें भी युद्ध में लौटने को कह दिया गया था। इसराइल ने ये साफ कर दिया है कि अब आगे आने वाले समय में कैसे अलग अलग ठिकाने ऐसे जिनको निशाना बनाना है। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. और नीरज इस वक्त वॉर जोन से ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है जिस हैवानियत का जिक्र यहाँ पर इसराइल कर रहा है और अब उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश है। देखिए, आपको बता दें, आपने गाजा पट्टी का जिक्र किया। गाजा पट्टी की लंबाई जो है वो 42 किलोमीटर है और इसके अलावा 6 से 12 किलोमीटर महज उसकी चौड़ाई है। पहले से ही पूरी तरह से ब्लॉकेड है। एयर की बात करें, वाटर की बात करें या लैंड की बात करें, एक तरफ से इजिप्ट का और वहाँ के जो 7 क्रॉसिंग है, 7 क्रॉसिंग में 6 पर इसराइल का कब्जा है। तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से ब्लॉकेड किया हुआ है। लेकिन हमास के हमले ने इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उनकी भी पोल खोली है कि आखिर कैसे आपको अंदाजा नहीं लगा कि इतना बड़ा हमला हो जाता है आपके देश पर। अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कल तक 700 लोगों की मौत हो गई थी, आज 800 से आंकड़ा अधिक हो गया। तो लगातार लोग मरते जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग होस्टेज हैं। बहुत सारे छात्रों पर हमला किया गया, एक फेस्टिवल हो रहा था अस्केलोन के आसपास, वहाँ हमला किया गया। तो इस तरह की स्थिति के बाद सवाल इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है। लेकिन इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में, नीरज, जवाबी कार्रवाई यहाँ पर जरूर हो रही है, लेकिन तीसरे दिन, क्योंकि आप वहाँ पर अब पहुँच चुके हैं, आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? क्या तीसरे दिन जो हमले हैं वो कम हुए हैं या बढ़े हैं? देखिए, हमला कम नहीं, अब ये जो लड़ाई है कुछ दिनों तक जारी रहेगी जो हमें लगता है, क्योंकि उनका हमला, हमास का हमला तेल अवीव के कुछ इलाकों में भी पहुंच रहा है। तेल अवीव का जो सेंट्रल एरिया है वो थोड़ा सुरक्षित माना जा रहा है, जहां एम्बेसी एरिया है, जो गवर्नमेंट एरिया है, गवर्नमेंट के ऑफिस है। कुछ लोग हैं जो यूथ हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। ये कुछ क्या कहते हैं, यू आर फ्रॉम इसराइल? यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री? एनी अस्केलोन? अस्केलोन, ओतेफ आजा। Okay, what is the situation there, Ashkelon? Because they attacked Ashkelon first. There was booming and the... और इसी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। इसराइल के पलटवार के बाद अब हमास के नेता बंकर और सुरंग में छिपे हुए हैं। इसराइल की ओर से हमास के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद हमास के नेता बंकर और सुरंगों में छिप गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि आतंकी संगठन अलकायदा और तालिबान के तर्ज पर हमास ने भी सुरंग और बंकर बना रखे हैं। और इन बंकरों की जानकारी और फोटो इसराइल के खुफिया एजेंसियों के पास है, जिसकी वजह से इन बंकरों के पास हमास के आतंकी को तैनात कर दिया गया है। और ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओपी, और क्या जानकारी मिल रही है? बंकर वैसे ही डिजाइन किए गए हैं जैसे कि तालिबान किया करते थे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गाजा पट्टी के पूरे इलाके में हमास ने बंकर, भूमिगत बंकर बनाए हैं और उसके साथ ही उन्होंने सुरंगों का जाल बिछाया है। दिलचस्प बात यह है कि सुरंगों का यह जाल जो है इसराइल की सीमा के पास और कुछ आवासीय कॉलोनियों के पास भी जाकर मिलता है, और इन्हीं सुरंगों के जरिए जो हमास के लड़ाके हैं वो इसराइल की सीमा में जाकर लगातार अटैक करते रहे हैं। और अब चूंकि इसराइल को इन सुरंगों का और इन बंकरों का पता चल गया है, तो लिहाजा पिछले 12 घंटों के दौरान वहां पर जो हेनान पर इलाका है वहां पर 3 बड़े हमले इसराइल ने किए हैं। और इस दौरान आशंका व्यक्त की जा रही है कि हमास के कुछ बड़े लीडर मारे जा सकते हैं, क्योंकि अब इसका पता इसराइल को लग चुका है, क्योंकि इसराइल इस वक्त ये रणनीति साफ कर चुका है कि कैसे हमास के तमाम ठिकानों को निशाना बनाना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए, आप समझिए कि हमास की तरफ से पहले भी हमले किए गए हैं और इसराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन यह सदी का सबसे बड़ा हमला अब तक का बताया जा रहा है। और हमास के हमले के बाद इसराइल भीषण तरीके से मुंहतोड़ जवाब यहां पर हमास को दे रहा है। गाजा पट्टी में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है, हर तरफ तबाही ही तबाही का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा है। गाजा को रौंद रहा है इसराइल।
इजरायली एयरफोर्स के द्वारा लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 3000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी, साथ ही उन्होंने कहा कि दुश्मन को भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा है कि हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जैसा उसने सोचा भी ना होगा। Hundreds of terrorists that crossed from Gaza into Israel, they attacked dozens of Israeli communities and IDF bases, and then continued to drag into Gaza Israeli civilians and military personnel. There have been heavy barrages of rockets towards central Israel and southern Israel. Then 3,000 rockets have been fired at Israel. Hamas aur Lebanon ka Israel par double attack. हमास ने जिस लेवल का हमला इसराइल पर किया है उसने अमेरिका तक को दंग कर दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े और भीषण हमले की भनक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को क्यों नहीं लगी। जानकारों के मुताबिक हमास का हमला मोसाद का अब तक का सबसे बड़ा फेल्योर साबित हुआ है। हमास के हमले ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और बॉर्डर सिक्योरिटी शिन बेट को भी मात दे दी। ये दोनों इसराइल को दुनिया में सबसे ताकतवर और सुरक्षित बनाती हैं। इस हमले के बाद अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद फिर एक्टिव हो गई है। एजेंसी के पूर्व प्रमुख एफ्रेम हेलेवी ने बताया कि हमला पूरी तरह से आश्चर्यजनक था और इसकी जानकारी या भनक इसराइल में किसी को भी नहीं थी।